पुलिस का काम होता है जनता की सुरक्षा करना और भ्रष्ट लोगों को पकड़ना, लेकिन जब पुलिस ही भ्रष्ट बन जाए और कानून के रखवाले ही कानून के साथ खिलवाड़ करे तो हैरान होना लाजमी है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस का एक घोटाला सामने आया है जिसके बारे में सुनते ही लोगों के होश उड़ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजियाबाद में तैनात महिला पुलिस इंस्पेक्टर लक्ष्मी सिंह चौहान के ऊपर पूरे 70 लाख रुपए कैश गबन का आरोप है। हैरानी वाली बात तो है कि जब पुलिस ने ही इस मामले में लक्ष्मी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करी तो लक्ष्मी फरार हो गई। वहीं पुलिस अब लक्ष्मी की तलाश में जुटी हुई है। दरअसल पैसों के गबन का ये खेल एटीएम में पैसे डालने वाली कंपनी सीएमएस के 2 कर्मचारियों से जुड़ा है। आपको बता दें, कर्मचारियों ने एटीएम में डालने के लिए आए पैसों में गड़बड़ी की थी। मामला गाजियाबाद के लिंक रोड थाना पहुंचा था और जांच लक्ष्मी चौहान के पास थी। लक्ष्मी ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर कुछ लाख रुपए बरामद करने का दावा किया था। जब पुलिस ने इस मामले की छानबीन की तो उन्हें पता चला कि लक्ष्मी ने झूठ बोला। उसने ज्यादा पैसे बरामद किए थे लेकिन 70 लाख रुपए अपने पास रख लिए थे। वेब 20 न्यूज के लिए राहुल की रिपोर्ट।